अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबा तालिबात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रोग्रामों के सिलसिले में आज हम सर्च पर बात करेंगे। हम डिफ़ाइन करेंगे कि सर्च क्या चीज़ है, सर्च ट्रीज़ क्या हैं, डेटा स्ट्रक्चर फॉर सर्च ट्रीज़ जिसमें हम नोड्स के लिए डेटा स्ट्रक्चर और एक्सपेंशन क्यूज़ के लिए डेटा स्ट्रक्चर जो है उस पर गौर करेंगे। फिर हम सर्च की बुनियादी व्हाट आर दी फंडामेंटल टाइप्स ऑफ सर्च उस पे बात करेंगे। विल डिस्कस सर्च स्ट्रेटजीज और सर्च स्ट्रेटजीज में हम जो प्रेवलेंट ब्लाइंड सर्च स्ट्रेटजीज हैं, आज के प्रोग्राम में हम ज्यादा अपना कंसंट्रेट जो है वो ब्लाइंड या अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज जो हैं वो उस पे बात करेंगे। और उससे पहले, इनफैक्ट सर्च स्ट्रेटजीज से पर बात करने से पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी सर्च स्ट्रेटजी की क्वालिटीज जो हैं, जो डिजायरेबल क्वालिटीज हैं, वो क्या होती हैं और क्या होनी चाहिए। और आखिर में, प्रोग्राम के आखिर में हम इवैल्यूएशन ऑफ सर्च स्ट्रेटजीज, जो सर्च स्ट्रेटजीज हम अपने प्रोग्राम में आज डिस्कस करेंगे उनको इवैल्यूएट करेंगे। अगर हमारा ब्रांचिंग फैक्टर और डेप्थ ऑफ आर ट्री इज मैनेजेबल, देन वी कैन रीच द सॉल्यूशन। एंड बट थ्योरेटिकली ब्रेड फर्स्ट सर्च विल रीच द सॉल्यूशन इफ दैट एग्जिस्ट्स। ये जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है, एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ब्रेड फर्स्ट सर्च हैज़ बीन एड्रेस्ड इन द यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। और यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो है, जब वो एक नोड से अगले नोड को एक्सपेंड करती है, तो जो सबसे कम कॉस्ट वाला जो आपका जो आपका नोड है उसको पहले एक्सपेंड करती है, और उसके बाद जो अल्टीमेटली जो क्यू ज़्यादा कॉस्ट वाला हो, जो पैथ ज़्यादा कॉस्ट वाला हो, उसको वो अखीर पे एंड ऑफ द क्यू लगा देती है। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो है, जो मिनिमम कॉस्ट वाला जो पैथ है उसको एक्सप्लोर करती है। द ब्रेड फर्स्ट सर्च फाइंड्स आउट द शैलोएस्ट गोल स्टेट बट नॉट नेसेसरली द लीस्ट कॉस्ट सोल्यूशन। ये हमने देखा था कि हमारी ब्रेड फर्स्ट सर्च की ये एक ड्रॉबैक है। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो है, इन कॉन्ट्रेरी टू दैट, एक्सपेंड द लोएस्ट कॉस्ट नोड ऑन द फ्रिंज एंड नॉट द लोएस्ट डेप्थ नोड फर्स्ट। लोएस्ट कॉस्ट नोड इज अ नोड विद स्मॉलेस्ट पैथ कॉस्ट विच इज जी ऑफ एन, एंड ब्रेड फर्स्ट सर्च इज यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च विद जी ऑफ एन इक्वल टू डेप्थ ऑफ एन। इसकी आइए हम एक मिसाल के जरिए इसको समझते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च और यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो है उसको एक डायग्राम और एक मिसाल की समझ जरिए हम आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम वी आर एट पॉइंट एस हैं, और पॉइंट एस से हम पॉइंट जी पे जाना चाहते हैं, तो हम जा सकते हैं एस बी जी, एस ए जी, एस सी जी। लेकिन जो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च है वो एक्सपेंड करेगी सबसे पहले उस पैथ को जो लोएस्ट कॉस्ट है, जो फॉर एग्जांपल फ्रॉम एस टू ए, एस से एक्सपेंड करेगी ए बी सी, वी आर हियर। तो अब इस वो जो है आपकी जो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च है, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च मिनिमम कॉस्ट वाला जो पैथ है उसको सबसे पहले एक्सपेंड करेगी, ये विच इज ए, तो इसको सबसे पहले उसने एक्सपेंड किया फ्रॉम ए टू जी। लेकिन अभी आपने उसने जो आपकी यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च है उसने डिक्लेयर नहीं किया कि गोल स्टेट पे वो पहुंच गए हैं, क्योंकि आपके पास यू हैव स्टेट विद कॉस्ट 11, कॉस्ट 5 एंड कॉस्ट 15। नाउ योर यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च विल एक्सपेंड द नोड विद द लीस्ट कॉस्ट विच इज बी। अब बी को जब एक्सपेंड करेगा, आप जी पे पहुंचते हैं, तो आपका टोटल कॉस्ट जो है वो 10 है। नाउ यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च वुड डिक्लेयर दैट योर सर्च पैथ is your preferred route is from S to B to G। आप गोल स्टेट में S A G भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट 11 है, वेयर एज आपका जो लीस्ट कॉस्ट ऑप्शन है फ्रॉम S to B to G, the cost is 10। Now your uniform cost search will declare that appropriate route is from S to B to G। Breadth first search और यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो हैं वो बेसिकली एक ही सर्च की, जो आप यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च को ये कह सकते हैं कि वो इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ
द ब्रेडफर्स्ट सर्च है. दूसरी सर्च स्ट्रेटजी जो हम ब्लाइंड सर्च के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ डेप्थ फर्स्ट सर्च. उसमें आप किसी भी जब रूट नोड से शुरू करते हैं और एक ब्रांच को चेज करते हैं, तो आप अनटिल द एंड ऑफ द डेप्थ ऑफ द क्यू, अनटिल द एंड ऑफ द डेप्थ ऑफ द ट्री, आप आखिरी जो नोड है, लीफ नोड है, उस तक पहुंचने के बाद आप उस ब्रांच को छोड़ते हैं, फिर आप दूसरी साइड पे चलते हैं. तो दैट इज द डेप्थ फर्स्ट सर्च. आइए देखते हैं कि डेप्थ फर्स्ट सर्च किस तरह से काम करती है. डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑलवेज एक्सपेंड वन ऑफ द नोड्स एट द डीपेस्ट लेवल ऑफ द ट्री एंड इट ओनली रिटर्न्स व्हेन द सर्च हिट्स ए डेड एंड एंड इंप्लीमेंटेड बाय पुटिंग द न्यूली जनरेटेड नोड एट द फ्रंट ऑफ द क्यू. तो डायग्रामेटिकली वी से वी स्टार्ट एट द रूट नोड. हमने एक लेवल वन पे आए, तो हमने यहाँ से लेवल वन पे हमने एक नोड को लिया और उसको एक्सपेंड किया, फिर उनमें से एक नोड को लिया और उसको एक्सपेंड किया. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप रूट नोड से लेके पूरी डेप्थ जो है उस डेप्थ में पहुँचे हैं. उसके बाद आप देखेंगे दूसरी साइड पे, या आपने एक नोड जो है फ्रॉम द रूट नोड आपने जो राउट चेज किया, उस राउट को आप अल्टीमेटली उसकी पूरी डेप्थ तक लेके गए. उसके बाद जब आप यहाँ पे डेड एंड, व्हेन यू हिट द डेड एंड, देन यू स्टार्ट विद द अदर अवेलेबल चॉइस जो है. तो दिस इज द डेप्थ फर्स्ट सर्च. डेप्थ फर्स्ट सर्च के मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरिट्स में मॉडेस्ट मेमोरी रिक्वायरमेंट, only the path from the route to the leaf node and the remaining unexpected expanded siblings node need to be stored. Iski memory requirement jo hai modest hai. Number 2, for branching factor b and maximum depth m, only bm nodes need to be stored. Breadth first search jo hai wo b to the power d hoti hai. For depth d equal 12, depth first search needs 12 kilobytes instead of 111 terabytes, which is in the shape of which you will need for the breadth first search. Breadth first search ke liye aapko 111 terabytes chahiye hogi, whereas in the depth first search where d is 12, you'll need only 12 kilobyte of the memory. Jab hum depth first search ko evaluate karte hain from the time complexity perspective, we often find that depth first search is better than the breadth first search. Wo is tarah se hai. With many solutions, depth first search is often faster than breadth first search, but the worst case is still O B to the power M. लेकिन इसके साथ ही साथ, मतलब being आप solution पे भी पहुंचते हैं, उसकी memory requirement भी modest है और time wise भी आप efficient हैं, despite the fact that time complexity element is still there, there are certain demerits of the depth first search. उसमें ये भी हो सकता है कि यू नेवर रीच ए सोल्यूशन ऑन ए ब्रांच जो कि आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, एंड यू कीप ऑन एक्सपेंडिंग द नोड्स ऑन विच योर डिजायर्ड या गोल स्टेट एग्जिस्ट डिस्पे नहीं करती है. सर्च कैन गेट स्टक गोइंग डाउन द रॉन्ग पैथ. आप अगर रॉन्ग पैथ पे आपकी सर्च जो है वो चल पड़ते हैं और आपका सोल्यूशन जो है दैट मे बी एट ए शैलो पैथ ऑन सम अदर ब्रांच, लेकिन आप एक्सपेंड जो है वो किसी और ब्रांच को अगर आप करते चले जा रहे हैं, तो यू मे टेक फॉर एवर टू रीच द सोल्यूशन. दूसरा ये है, नो यूज इन केस ऑफ इन्फिनिट मैक्सिमम डेप्थ जो है उस पर. अगर आप यू डोंट नो कि आपका जो ट्री है वो कितना डीप है, तो आप यू कैन नेवर रीच ए सोल्यूशन. इसकी एक जो अल्टरनेट है वो डेप्थ लिमिटेड सर्च है. जो डीमेरिट्स हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च के, उनको डेप्थ लिमिटेड सर्च में इनफैक्ट एड्रेस किया गया है. और डेप्थ लिमिटेड सर्च में आप डेप्थ पे एक कैप लगा देते हैं कि आपकी जो सर्च है वो उस पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा डीप ना जाए. आप लेवल वन रखना चाहते हैं, टू रखना चाहते हैं, जो भी आप डेप्थ रखना चाहते हैं वो आप एजेंट को वो डिटर्मन कर दें, और आपकी जो सर्च है वो उससे ज़्यादा डीप नहीं जाएगी. दैट इज़ इसेंशली द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द डेप्थ फर्स्ट सर्च, कि आपका जो सर्च एजेंट है या आपकी जो सर्च है वो इनडेफिनेटली कीप्स ऑन सर्चिंग एंड चेजिंग द रॉन्ग पैथ. इससे आप
डेप्थ लिमिटेड सर्च में आप इससे इस डीमेरिट को ओवरकम कर सकते हैं. इम्पोज ए कट ऑफ ऑन द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ए पैथ और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज स्पेशल एल्गोरिदम, यूज ऑपरेटर्स दैट कीप ट्रैक ऑफ द डेप्थ. और रोमानिया एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम पाथ लेंथ जो है वो 19 है, तो आप उसको अगर चाहें कि अपनी सर्च जो है उसको ज़्यादा डीप ना जाने दें तो एट सर्टन लेवल आप कट ऑफ करें और उससे आगे सर्च जो है वो नहीं जाएगी. एंड ट्राई टू फाइंड द गोल स्टेट इफ एग्जिस्ट विद इन द सर्टन डेप्थ. डेप्थ लिमिटेड सर्च जो है दैट इज कंप्लीट बट इट इज़ नॉट ऑप्टिमल. ये रोमानिया वाली एग्जाम्पल को आप अगर गौर से स्टडी करें तो स्टिल नॉट एबल टू फाइंड द शॉर्टेस्ट सोल्यूशन. इफ द मैक्सिमम डेप्थ इज टू स्मॉल डेप्थ लिमिटेड सर्च माइट नॉट इवन बी कंप्लीट. डेप्थ लिमिटेड सर्च टेक्स ओ बी टू द पावर एल टाइम एंड ओ बी एल स्पेस वेयर एल इज द डेप्थ लिमिट. इसकी एक और इवन डेप्थ लिमिटेड सर्च जो है उसकी भी कुछ डिमेरिट्स हैं जिनको इटरेटिव डीपनिंग सर्च के जरिए एड्रेस किया गया है. इटरेटिव डीपनिंग सर्च जो है वो आप डिफरेंट इटरेशंस पे उस जो डीपनेस है कि एक लेवल पे उसको एक्सपेंड किया फिर दूसरे लेवल पे उसको एक्सपेंड किया, वो स्ट्रेट फ्रॉम द राउट नोड टू ऑल द डेप्थ ऑफ द ट्री नहीं जाती है. इटरेटिवली एक लेवल पे एक्सपेंड करने के बाद फिर दूसरे लेवल पे एक्सपेंड करती है. पिकिंग द मैक्सिमम डेप्थ लिमिट इज हार्ड. इन मोस्ट प्रॉब्लम्स वी विल नॉट नो गुड डेप्थ लिमिट. हमारा ये प्रॉब्लम जो है इंटरेक्टिव इटरेटिव डीपनिंग सर्च जो है उसमें हमारा ये प्रॉब्लम है कि वी डोंट नो कि किस लिमिट पे हम कट ऑफ करें और उसके बाद आगे चलें. इटरेटिव डीपनिंग सर्च ट्राई ऑल पॉसिबल डेप्थ्स. ऑप्टिमल कंप्लीट लाइक ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड हैज मॉडस्ट मेमोरी रिक्वायरमेंट लाइक डेप्थ फर्स्ट सर्च. तो आपकी इटरेटिव डीपनिंग जो है वो एक लेवल पे तक आप जब डेप्थ डिस्क्राइब कर देते हैं तो वो ब्रेथ भी और डेप्थ भी इटरेटिवली ब्रेथ पे और डेप्थ पे सर्च करती है यूजिंग द क्वालिटीज ऑफ गुड क्वालिटीज ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च एज वेल एज ब्रेथ फर्स्ट सर्च. यहाँ पे हम इसको इटरेटिव डीपनिंग को एक मिसाल के जरिए एक डायग्राम के जरिए अभी आपके सामने रखते हैं. अगर लिमिट हमारी जीरो है तो वी स्टार्ट हियर. अगर लिमिट वन है तो वन लिमिट पे जितने भी नोड्स हैं उनको एक्सपेंड करेगी. अगर लिमिट टू है तो पहले इसको आपका जो लिमिट टू पे जितने भी नोड्स हैं उनको एक्सपेंड करेगी. अगर लिमिट थ्री हम रखते हैं तो थ्री लिमिट पे जितने भी नोड हैं उनको एक्सपेंड करेगी. इटरेटिव डीपनिंग में आप जो भी लिमिट स्पेसिफाई करेंगे उस लिमिट पे आपकी सर्च जो है वो सारी की सारी जितने भी नोड हैं एट दैट पर्टिकुलर लेवल उनको एक्सप्लोर करने के बाद फिर अगले लेवल पे जाएगी. तो दैट इज द इटरेटिव डीपनिंग सर्च विच बेसिकली कंबाइंस द गुड क्वालिटीज ऑफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च एज वेल एज डेप्थ फर्स्ट सर्च. ये एक इसमें डीमेरिट्स है कि आप एक स्टेट को एक्सपेंड करते हैं फिर दूसरे राउट पे आते हैं दोबारा फिर आप उसी स्टेट को यू मे बी रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड दैट नोड. एक्चुअली फॉर मोस्ट प्रॉब्लम्स द ओवरहेड इज स्मॉल. अगरचे ये डीमेरिट एक इटरेटिव डीपनिंग सर्च में है कि आपको एक ही नोड को मल्टीपल टाइम्स एक्सपेंड करना पड़े लेकिन रिसर्चर्स हैव फाउंड कि ओवरहेड जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है. इट बेनिफिट्स ऑफ द इटरेटिव सर्च आउटवे इट्स डीमेरिट्स. जनरली इटरेटिव डीपनिंग इज बेस्ट इन लार्ज सर्च स्पेसेस विद अननोन सॉल्यूशन डेप्थ. इटरेटिव डीपनिंग सर्च में ये लिमिटेशन जरूर है कि एक ही नोड को आपको मल्टीपल टाइम्स पे एक्सपेंड करना पड़े लेकिन एक्सपर्ट्स ने ये डिटर्मन किया है कि ओवरहेड मे बी ए वेरी दी ओवरहेड इतना ज़्यादा शायद नहीं हो कंपेयर्ड विद द डेप्थ लिमिटेड सर्च और इन सर्टन केसेस आपकी जो इटरेटिव डीपनिंग है दैट मे बी ए प्रेफर्ड ऑप्शन. आइए अब हम एक मिसाल के जरिए एट सर्टन डेप्थ एक मिसाल के जरिए देखते हैं कि इटरेटिव डीपनिंग में आपको कितना ओवरहेड जो है वो इन टर्म्स ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस देना पड़ता है.
सर्च विद ब्रांचिंग फैक्टर बी एंड डेप्थ डी, डेप्थ लिमिटेड सर्च का फार्मूला हमने आपको पहले भी बताया, 1 प्लस बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब एंड सो ऑन प्लस बी डी माइनस टू डी माइनस वन बी डी। अगर हमारा ब्रांचिंग फैक्टर इज 10 एंड डेप्थ इज 5 तो द रिक्वायर्ड एक्सपेंशन आर 111,111। वेयर एज कंपेयर्ड टू दैट इन द इटरेटिव डीपनिंग सर्च आर फार्मूला इज डी प्लस 1 टू द पावर 1 एंड सो ऑन विद द ब्रांचिंग फैक्टर 10 एंड डेप्थ 5 इट हैज 123,456 एक्सपेंशन विच इज ओनली अबाउट 11% वर्स। लेकिन यहां पे आपने देखा कि इटरेटिव डीपनिंग और आपकी डेप्थ लिमिटेड सर्च है उसमें ओवरहेड के हवाले से बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, जो लेकिन हमें जो मेरिट्स मिलते हैं इटरेटिव डीपनिंग इज ए प्रेफर्ड फॉर सर्टन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। द लास्ट सर्च स्ट्रेटजी जो कि हम ब्लाइंड सर्च में या अनइन्फॉर्म्ड सर्च में यूज कर सकते हैं वो है बाई डायरेक्शनल सर्च। बाई डायरेक्शनल सर्च में आप इनिशियल स्टेट से भी शुरू कर देते हैं और गोल स्टेट से भी शुरू कर देते हैं, आप दोनों तरफ से अपने सर्च जो है उसको शुरू कर देते हैं अनटिल दे मीट समवेयर इन द मिडल एंड दे फाइंड द गोल स्टेट। तो वो कैसे होता है आइए देखते हैं। सर्च फॉरवर्ड फ्रॉम द इनिशियल स्टेट एंड बैकवर्ड फ्रॉम द गोल स्टेट एंड इट स्टॉप्स व्हेन द टू सर्चेस मीट इन द मिडल। स्टार्ट से हम आप जो सर्च ट्री है उसको देखना शुरू कर देते हैं और गोल से हम बैकवर्ड सर्च करना शुरू कर देते हैं अनटिल वी मीट समवेयर एट द गोल स्टेट। बिग डिफरेंस फॉर प्रॉब्लम विद ब्रांचिंग फैक्टर बी इन बोथ डायरेक्शंस, ए सॉल्यूशन ऑफ लेंथ डी विल बी फाउंड इन ओ टू बी टू द पावर डी बाई टू ओ बी इक्वल बी डी टू द पावर डी बाई टू। फॉर बी इक्वल 10 एंड डी इक्वल 6 ओनली 2,222 नोड्स आर नीडेड इंस्टेड ऑफ अ मिलियन फॉर ब्रेथ फर्स्ट सर्च। यहां पे आप देखेंगे कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च और बाई डायरेक्शनल सर्च में कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ नोड्स। एक तरफ इन बाई डायरेक्शनल सर्च यू नीड ओनली अ लिटल ओवर 2,000 नोड्स, वेयर एज इन द ब्रेथ फर्स्ट सर्च यू विल नीड a million nodes to explore before you reach the goal state. That speaks of the merit of bidirectional search. Lekin uske saath hi saath uske demerits bhi hain. Predecessors of a node need to be generated, which is rather a difficult task. What to do if there is no explicit list of goal states? Then another problem is check needed for search node if it already appeared इन दी अदर सर्च, यानी आपको हैश टेबल्स की जरूरत होगी। वॉट इज द बेस्ट सर्च स्ट्रेटजी फॉर दी टू सर्चेस, हमने आपके सामने ब्लाइंड या अनइन्फॉर्म्ड सर्च की 6 डिफरेंट किस्में जो हैं वो आपके सामने रखी। ब्रेथ फर्स्ट सर्च, उसके बाद यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ लिमिटेड सर्च, इटरेटिव डीपनिंग सर्च एंड बाई डायरेक्शनल सर्च। आइए हम देखते हैं कि फॉर सर्टन गिवन पैरामीटर्स उनमें से कौन सी सर्च जो है उसकी रादर इट इज़ ए जनरल जेनेरिक एवेल्यूएशन ऑफ द ब्लाइंड सर्च स्ट्रेटजीज। आइए एक टेबल के जरिए देखते हैं। इस टेबल में हम देख रहे हैं क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेस ऑप्टिमैलिटी एंड कंप्यूटेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम के लिए ब्लाइंड फर्स्ट, यूनिफॉर्म कॉस्ट, डेप्थ फर्स्ट, डेप्थ लिमिटेड, इटरेटिव डीपनिंग एंड बाई डायरेक्शनल, ये तो बेसिकली उनका फॉर्मूले हैं। तो ऑप्टिमैलिटी एंड कंप्लीटनेस, ब्रेथ फर्स्ट यस यस, यूनिफॉर्म कॉस्ट यस यस, डेप्थ फर्स्ट ऑप्टिमैलिटी और कंप्लीटनेस इज नो, वेयर एज इन डेप्थ लिमिटेड इट इज नॉट ऑप्टिमल, इट इज कंप्लीट इफ एल इज लेस और इक्वल डी। अच्छा, इसमें इस टेबल में जो है बी इज द ब्रांचिंग फैक्टर, हमने पहले भी डिस्कस किया, डी इज द डेप्थ ऑफ द सॉल्यूशन, एम इज द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द सर्च ट्री, एल इज द डेप्थ लिमिट। तो अगर आपकी डेप्थ लिमिट जो है इज लेस और इक्वल डी, देन आपकी डेप्थ लिमिटेड सर्च जो है इट इज कंप्लीट।
इटरेटिव डीपनिंग, ये ऑप्टिमल भी है, कंप्लीट भी है, बाई डायरेक्शनल ऑप्टिमल भी है और कंप्लीट भी है। अजीज तलबा और तालिबात, इसके साथ ही हमने सर्च पे, अनइन्फॉर्म्ड और ब्लाइंड सर्च पे, सर्च के बुनियादी कॉन्सेप्ट, सर्च ट्री, उसके बाद आपकी सर्च स्ट्रेटजीज, इवेल्युएशन ऑफ सर्च स्ट्रेटजीज और वेरियस फॉर्म्स ऑफ ब्लाइंड और अनइन्फॉर्म्ड सर्च पे आज हमने बात की, और इस बात को हम अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज एक रिकैप कि आज के प्रोग्राम में हमने ये डिस्कस किया कि सर्च क्या होती है, सर्च ट्रीज क्या होती हैं और सर्च ट्री के लिए डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, वेयर वी डिस्कस नोड्स एंड एक्सपेंशन क्यूज, वी डिस्कस सर्च टाइप्स, वी ऑल्सो डिस्कस सर्च स्ट्रेटजीज एंड एट द एंड वी गेव इवेल्यूएशन ऑफ द सर्च स्ट्रेटजीज। तो इसके साथ ही हमारी वो गुफ्तगू जो हमने सर्च के बुनियादी कॉन्सेप्ट और अनइन्फॉर्म्ड और ब्लाइंड सर्च पे हमारी गुफ्तगू जो है वो मुकम्मल होती है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम इन्फॉर्म्ड और ह्यूरिस्टिक सर्च पे अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।